इंडिया में 80% लोगों को घरों में स्पेस कम होने की वजह से कार को घर के बाहर ही ओपन एरिया में पार्क करना पड़ता है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मुझे भी अपनी कार ओपन एरिया में ही घर के बाहर पार्क करनी पड़ती है। बाहर ओपन एरिया में खड़ी करने की वजह से कार कुछ इस तरह से धूल मिट्टी से भरी रहती है और आते जाते लोग इसे ब्लैक बोर्ड की तरह यूज करने लगते हैं। सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेस कार की बॉडी पर डायरेक्ट पड़ने की वजह से कार का कलर धीरे धीरे फेड हो जाता है, जैसे कि आप इस कार के कलर को देख सकते हो। कार की शाइन चली जाती है और कार का कलर कुछ इस तरह से अन ईवन हो जाता है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और आपको फिर से इसे पेंट करवाना पड़ता है। बट कार को फिर से पेंट करवाना काफी कॉस्टली पड़ता है, जो कि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, और अगर करवा भी लो फिर भी वो पहले जैसी शाइन इसमें नहीं आ पाती। कुछ लोग कार को धूप से बचाने के लिए कार को पेड़ के नीचे पार्क कर देते हैं, बट पेड़ के पत्ते कार के ऊपर गिरते रहते हैं और पेड़ पे बैठे हुए बर्ड्स भी कुछ इस तरह से कार को गंदा करते रहते हैं। आप देख सकते हो इन्हें साफ करना भी इतना इजी नहीं होता, बार बार आपको कार को वॉश करना पड़ता है, जो कि आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में पॉसिबल नहीं हो पाता। और बहुत से लोगों के लिए कार को धोना बहुत ही बोरिंग काम होता है, इसलिए वो लोग चले जाते हैं बाहर वॉशिंग सेंटर में कार को वॉश करवाने, जिसमें टाइम और पैसा दोनों ही बर्बाद होते हैं। बट अपनी कार को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, हर कोई यही चाहता है कि उसकी कार हमेशा चमकती रहे। ऑल वेदर प्रोटेक्शन देने के लिए आपको चाहिए होता है अपनी कार के लिए एक बढ़िया सी क्वालिटी वाला कार बॉडी कवर, जो कि आपकी कार को ऑल वेदर प्रोटेक्शन देने के साथ साथ वैल्यू फॉर मनी भी हो, यानी आपके पैसे भी बचाए। इसलिए मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद और यूट्यूब पर काफ़ी रिव्यूज़ देखने के बाद ऑटोफाई ब्रांड के दो कार कवर्स ऑर्डर किए हैं, जिसमें से अफोर्डेबल कार कवर का रिव्यू हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं और दूसरे प्रीमियम क्वालिटी के कार कवर का रिव्यू मैंने अपनी लास्ट वीडियो में किया था, उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, यह है वो ऑटोफाई की तरफ से अफोर्डेबल कार बॉडी कवर। जैसा कि आप देख सकते हो इस पर मेंशन है ऑटोफाई इकोनो कार बॉडी कवर फॉर टाटा नेक्सॉन, जो कि 2019 और उसके बाद के सभी वेरिएंट्स के लिए सूटेबल है। ब्रांड नेम ऑटोफाई आप देख सकते हो और कलर इसका ग्रे है। प्राइस की बात करें तो प्राइस आपको इसका पड़ेगा 1399। अमेजोन पे आपको ये कम प्राइस में भी मिल सकता है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ऑटोफाई एक जेन्युइन ब्रांड है जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, इसलिए आप इस ब्रांड पे ट्रस्ट कर सकते हो। और यह है वो दूसरा कार कवर जो प्रीमियम क्वालिटी में आता है। अगर आप अपनी कार के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहते हो और थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च सकते हो, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप ये वाला कवर जरूर लें। और इसे परचेज करने से पहले इसका फुल रिव्यू जो मैंने अपने चैनल ड्राइवोपीडिया पे अपलोड किया है, वो भी जरूर देख लें। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब फटाफट इकोनो कार कवर को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे कि आप देख सकते हो ये कवर एक स्टोरेज बैग में आता है, जिसकी वजह से इसे स्टोर करना और कैरी करना काफी इजी हो जाता है। साथ ही इसे टांगने के लिए दो स्ट्रैप दिए जाते हैं, जिसका यूज मैं आपको अपनी कार में दिखाऊंगा। ये स्टोरेज बैग और कार का कवर दोनों एक ही मटेरियल से बने हैं, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट भी है। ये कवर टाटा नेक्सॉन के लिए ही स्पेशली डिजाइंड है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर TN लिखा है, यानी टाटा नेक्सॉन। वैसे ये कवर लगभग सभी ब्रांड्स के लिए अवेलेबल है, कुछ ब्रांड्स के लिए अमेजन से इसे परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप इसे चेक कर सकते हो। कवर की बात करें तो इस तरह के यहाँ पर तीन बेल्ट्स मिलते हैं, जबकि नॉर्मली दूसरे कवर्स में सिर्फ एक ही बेल्ट मिलती है, इसलिए तेज आंधी तूफान में भी कवर नहीं उड़ेगा। अच्छी क्वालिटी की ट्रिपल स्टिचिंग आप इसमें देख सकते हो, जिसे की जैपनीज मशीन से किया गया है, इसलिए कवर इतनी आसानी से फटेगा भी नहीं। कवर भी अच्छे मटेरियल से बना है, जो की लाइट वेट होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी है। लाइट कलर का होने की वजह से ये सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज को भी रिफ्लेक्ट करेगा और आपकी कार ज्यादा गर्म भी नहीं होगी। 5 डिग्री तक का फर्क आपको देखने को मिलेगा। तीन बेल्ट्स के साथ साथ फ्रंट और बैक में इलास्टिक भी दी गई है, ताकि फ्रंट और बैक से भी कार का कवर प्रॉपरली फिट रहे। इलास्टिक की क्वालिटी भी यहाँ पर काफी अच्छी है, तेज हवाएं चलने पे भी फ्रंट और बैक से कवर नहीं सरकेगा। अब चलते हैं कार की तरफ और देखते हैं कि कार पर इसकी फिटिंग कैसे आती है। फटाफट इसे पैक कर लेते हैं। इसे पैक करना भी काफी ईजी है, क्योंकि लाइट वेट है। टाटा नेक्सॉन में तो यहाँ पर हुक्स दिए जाते हैं, जिसमें आप कार के कवर को यहाँ पर स्टोरेज बैग में डाल के हैंग कर सकते हो। हुक्स ना भी हो तो भी आप इसे एक डिग्गी में कहीं भी रख सकते हो, क्योंकि ये बहुत कम स्पेस लेता है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने कार को कवर कर दिया है और कार का कवर कार पर प्रॉपरली फिट हुआ है। और ये है इसकी तीन बेल्ट्स, जो तेज आंधी और तूफान चलने पे भी कार के कवर को कार पे से खिसकने नहीं देगी। इसका 3 बेल्ट लॉकिंग सिस्टम काफी इफेक्टिव है। बेल्ट के बकल्स ड्राइवर साइड दिए गए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बेल्ट की लेंथ को भी एडजस्ट कर सकते हो, यानी टाइट लूज करने का प्रोविजन भी है इसमें। बकल्स भी अच्छी क्वालिटी के हैं। बहुत से कवर्स में साइड मिरर पॉकेट्स नहीं मिलती हैं, बट आपको यहाँ पर वो भी मिलेंगी। मिरर पॉकेट का साइज भी अच्छा दिया गया है, और साथ ही कवर का फ्रंट और बैक में कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए यहाँ पर एक टैग दिया गया है, और साथ ही ऑटोफाई की ब्रांडिंग भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ऑटोफाई के सभी प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया है, और साथ ही ये काफी ट्रस्टेड और ग्रोइंग ब्रांड भी है। इनके प्रोडक्ट्स पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। बिना कवर किए अगर आप कार को धूप में खड़ी रखते हो तो इसका कलर धीरे धीरे फेड होने लगता है,
और साथ ही कार के अंदर और बाहर के प्लास्टिक, रबड़ और लेदर के पार्ट्स भी धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। इसलिए कार को धूप और धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए अगर आपका बजट कम है तो आप इस कवर को ले सकते हो, अदरवाइज आप इनका प्रीमियम कवर जिसका नाम सिल्वर टैक है वो भी ले सकते हो, जो वाटरप्रूफ भी है। दोनों कवर्स को अमेजन से परचेज करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप इसे चेक कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, कवर का मटेरियल थोड़ा लाइट वेट होने की वजह से हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट भी है। कार का नंबर और टाटा मोटर्स का लोगो और साथ ही नेक्सन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पर धूल मिट्टी और धूप से बचाने के लिए ये कवर बिल्कुल सही है और प्राइस के हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी भी है। फ्रंट और बैक से ये प्रॉपरली फिट हुआ है, क्योंकि फ्रंट और बैक में जो इलास्टिक दी गई है वो इसे फ्रंट और बैक से टाइट रखती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल ड्राइवरपीडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं ऐसे ही यूजफुल और जेन्युइन रिव्यूज़ अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू।